तो ये हमारे कुछ गाय और बछड़ियाँ का फोटो है जो कि हमने पहले निकाले थे, वो जो कि इधर की साइड लगाया हुआ था, ये घड़ी लगी हुई पे, लेकिन लाइटिंग वगैरह करना था तो निकाल लिए। तो अभी जो है कि इसको फिर से लगानी है भाई घर के दीवार पे, तो दिखा देता हूँ आपको भाई कुछ है। आपने जो है कि भाई कैमरा वाले आदमी है नहीं, मोबाइल से फ़ोटो वगैरह निकाल लेते हैं, तो जो है कि भाई बढ़िया क्वालिटी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन दिखा देते आपको भाई। ये देखिए टेप लगाए थे वो इधर चिपक गया। ये भाई अपना बछड़ा जो कि वाइट का जो अभी दूध पीता है, मैंने तो बता दिया आपको, जो कि आगे अकेला खुला रहता है वो वाला बछड़ा भी। ये अपनी भूरी भाई बेस्ट गाय थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास में गांव में भाई सिस्टर को दे दी भाई दूध खाने के लिए, ये वाली भाई। और इधर है ये वाली सनी जो कि उसको भी सेल में कर दिया था, उसकी मदर को सेल कर दिया था ये छोटी, तब उसको फ़ोटो निकालती वो वाली। और ये अपनी काबरी जो छोटी थी भाई 1 साल की, तब उसका फ़ोटो निकाला था देखिए। और ये गाय भी अभी सेल कर दिया हमने, 1 साल हो गया शायद। और ये वाली गाय भी पर ज़्यादातर कोई सेल वाली ही गाय है, देखिए ये वाली भी सेल कर दी हमने। और ये बछड़ा जो वाइट बड़ा है वो वाला बछड़ा, उसके साथ में बड़ा जो है कि भाई इसका बछड़ा था, इसका बछड़ा ये वाला था तो इसके साथ में चला गया। और ये जो है कि अभी वाइट जो है कि बड़ा वाला बछड़ा है वो वाला है। और ये भाई कुछ अच्छा फ़ोटो नहीं आया था, वो वाला फ़ोटो है देखिए सिंगरी, और ये वाइट भाई हमारी देखिए 1 साल हो गया भाई, पहले की बारिश का फोटो है ये। और ये हमारी सन, इसको भी हमने शेयर कर दिया था। तो ये सभी फ़ोटो जो है कि लगाना है यहीं पे दीवार पे, तो फिर से लगा देंगे इधर। तो अभी बजे है भाई शाम के 3 बज चुके हैं, और अभी देखिए सभी गाय जो है कि लानी थी 4 बजे, जहीं पे हम छोड़ने के लिए गए थे वहीं से 4 बजे लेके आनी थी, लेकिन भाई ख़तरनाक वाली बारिश हुई तो खेतों में था भाई, तो वहीं पर कीचड़ वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत होती है भाई, इसी वजह से आज थोड़ा जल्दी भाई 1 घंटा लेके आए। तो देखिए सभी गाय भाई रेडी हो चुके नहा चुके, देखिए यानी सब कंप्लीट जो है सभी गाय ने नहा लिया है पानी में, क्योंकि खतरनाक वाली भाई बारिश आई। और तुरंत भाई घर पे घर से आए, 1.5 किलोमीटर होता है भाई जहाँ हम चारण गए थे वहीं से इधर 1.5 किलोमीटर, तो वहीं से आते भाई पूरी बारिश में भीगते भीगते आई भाई, और पूरी जो है कि देखिए नहा लिया भाई। बाकी इधर भी अभी भी भाई बारिश जो है कि चली गई है, लेकिन जो है कि भाई गाय भी चालू ही है अभी। सभी गाय को भाई बांध लिया, अभी ब्लैक वाली भाई पूरी ब्लैक दिखने लगती है देखिए। सभी को बांध लिया है भाई अपनी बछड़ियाँ, और ऊपर जो है कि दूध देने वाली सभी गाय को भी उसको भी बांध लिया। बाकी अभी हमारी भाई खोंडी देखिए अभी अडर दिखाना भाई शुरू कर दिया अभी। और ये जो प्यारों में भाई जब पहले व्यात में थी तब उसको जो है कि इतनी शैतान करती थी, आपने दिखा होगा आगे वो था, तो इसका निशान है भाई ये प्यारों में, अभी ये निशान जा ही नहीं रहा भाई, अभी तीसरा व्यात में गई फिर भी। बाकी ये दोनों को भी भाई बांधना भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये दोनों वाली जो है कि नेपियर वाला रहता है वहीं पर डेली चरती थी, तो वहीं पे पाकती है। और इसके साइड में जो कि अभी कर दिए भाई सब्जी, तो सब्जी में कुछ जाती है इसी वजह से इसको अभी मारना शुरू कर दिया। बाकी खुली रहती थी भाई 24 घंटे ये दोनों, और इसको अभी तो अभी इसको ये और ये वाली भाई तीनों को अभी मारना शुरू कर दिया है, 5 को सभी को बांधना अभी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है कि ये बारिश के टाइम में जो है कि इधर भाई गोबर वगैरह उधर बड़ी कीचड़ कीचड़ के भाई बहुत ही ख़राब कर देती है, इसी वजह से इसको बांधना पड़ता है, तो इसको भाई बांधना शुरू कर दिया अभी देखिए। बाकी कैसे लाइन में खड़ी है भाई, और हर रोज़ जो है कि 5:30-6 बजे मिल्किंग करते हैं, लेकिन आज भाई कोई नहीं है मिल्किंग करने वाला, सीट पर सीट में अकेला भाई ये दोनों, और इधर की सभी लाइन का भाई मिल्किंग करना है। बाकी गाय कुछ शांति से बैठी हुई है भाई, बाकी ये देखिए टाइम होती है इधर कोई आता है तो चिल्लाने लगती है ये वाली भाई, और ये वाली सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाली शोर मचाने वाली हमारी छोटी सी भाई मीनी, तभी फटाफट से मिल्किंग कर लेते हैं। बाकी ये भाई रिकवर हो चुके अभी, यानी दुबली पड़ गई थी भाई उसको जो है कि ज़्यादा जो लूज मोशन लग गया था, और इधर जो है कि जो वगैरह पड़ गए थे, लेकिन अभी क्लीन हो चुकी है भाई दवाई वगैरह की, तो अभी जो है कि सर भाई रेडी कर देते उसके बाद मिल्किंग करेंगे भाई। चल पकवान कौन पक कहीं नहीं करे, हाँ इधर 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 ले। तो भाई अभी अनु आया है भाई मिल्किंग सीखने के लिए, तो अभी इसको ये कुछ नहीं करी भाई, अभी देखिए भाई इसको पैर भी बंधवा लेते ही। अभी जो है कि भाई जो ही चला गया है भाई पढ़ाई करने के लिए, तो अभी जो है कि अनु मिल्किंग करने आ जाता है भाई सीखने के लिए, तो जल्दी कर भाई पूरा दूध पी जाएगी। ये ऊपर रखना, अरे ठीक इधर इधर बस बस खींच लिया, इतना इतना ऊपर रखना। अरे कैसे बांधता है रे तू, इधर नहीं ऐसे नहीं पकड़ रहे, तेरे को दिखाता हूँ ऐसे बांधना बस।
ऐसे ठीक है। अब ये के बछड़े को ले चल। अरे ये गिर गया भाई, ऐसे ही गिर जाता है वो, ऐसे ही कुछ भी हो थोड़ा सा खींचो अपने आप ही गिर जाता है ये। देखिए भाई अनु निकालने लगा है दूध भाई। अरे इसका मत निकाले, इसका रहने दे, वो तीनों का निकाले ही रहेगा, तीनों इसका रहने दे भाई, ये आगे वाले तीनों निकाल ले। बाकी हमारे यहाँ जो भी आता है भाई बच्चा वो दूध सीख जाता है भाई। देखिए अनु भी अभी दो दिन निकाला है, तो अभी देखिए अभी थोड़ा बहुत सीख गया अभी, आगे पहले तो बिल्कुल भी नहीं निकलता रहा है ना अनु। अभी जा उधर की साइड चला जा तू, इधर की साइड बैठ जा, इसका निकाल। तो अभी भाई मुझे ना एक हाथ से दूध निकालना भाई जमता नहीं, तो अभी कैमरा भाई बंद करते हैं और अभी दोनों हाथों से फटाफट से मिल के निकाल लेते हैं। दोनों हाथों से निकाल रहे भाई, और तो एक हाथ से भाई बढ़िया आता है, लेकिन दो हाथ से नहीं निकालने निकाल पाता वो। दो हाथ से निकाल भाई अनु, दोनों हाथ से निकल कर निकाल। देखते हैं देखिए इससे ये हाथ से निकल रहा है, लेकिन ये हाथ से निकल रहा है, लेकिन कुछ भाई नहीं भाई कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो है कि वो सीख जाएगा। क्योंकि भाई सभी गाय का भाई मिल्किंग जो है कर दिया है ख़त्म, और आज जो है कि चारा वगैरह डालने की कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आपने आगे देखा कि भाई कितना बड़ा चारा था, वो पूरा दिन खा के आई भाई। देखिए सब पूरी है, बाकी किसी को खाना है तो इधर खा सकती है। देखिए अंदर भाई पड़ाई है, बाकी कुछ गाय ने भाई पशु आहार भी नहीं खाया, हमारी वाइट वाली ने भाई पशु आहार भी नहीं खाया, आज इतना चारा ही खा लिया आज भाई। ये देखिए भाई वैसा का वैसा ही पड़ा है, यानी आधा खा गई अभी, लेकिन आधा है जो ख़त्म नहीं हुआ उससे, तो ये भाई दूसरी गाय को डाल देते हैं अभी। ये ओपो ओपो। तो भाई अभी सुबह सुबह का टाइम है, सभी गए काम मिल्किंग जो है कि कर लिया है, और अभी इसको निकालना है भाई बाहर। 9 बजे है और अभी सभी गए भाई चलने जाने के लिए रेडी है भाई, इधर वाड़े के अंदर है। बाकी देखिए इधर के साथ जो है कि अपने छोटे भाई वाड़े में एक ही बछड़ी है, देख सकते हो आप ये वाली एक ही बछड़ी है, बाकी दूसरी जो है कि भाई बहुत ही परेशान सबने करके रखा है भाई, वो जो है कि निकल जाती है। ये वाली काबे भाई किसी के साथ घुल मिल नहीं रहती, वो निकल जाती है भाई, वो बहुत ही दिक्कत दे रही है सभी लोग। बाकी ये दोनों भाई पाक जाती है, और ये बेल भाई चरने के लिए छोड़ देते, अभी जो है कि इधर आके भाई थोड़ी देर के लिए मांग के रखा है, उसके बाद जो इधर चल जाएगी दोनों। ये बछड़ी देखिए भाई, इसको भाई बहुत ही परेशान हो गया हूँ भाई सुबह से, ये जो है कि वहीं पे छोटे वाले वाड़े में नहीं रहती है और इधर बड़े वाले में नहीं रहती है भाई, भाग भाग के आ रही है इधर देखिए, और इधर चारा इतना बिगाड़ रही है भाई। देखिए ये जो है कि भाई बड़े बैल के लिए हम चारा जो है कि लेके आए थे, लेकिन ये भाई सब बिगड़ गया। देखिए अभी जाएगी चने के लिए, और चिल्लाती भी बहुत ज़्यादा है भाई, ये आजकल बहुत ज़्यादा शैतानी हो गई है भाई ये वाली बछड़ी। तो दोस्तों अभी बजे है शाम के 5, और गाय आ गई थी भाई 4:30 बजे के करीब, तो जो है कि सभी गाय को भाई हर जो है कि घसड़ के अंदर डालते हैं, लेकिन अभी वाड़े में डाल के रखा है, क्योंकि सभी गाय को भाई जल्दी बंध लेती, तो घसड़ के अंदर पे बहुत ही गंदा करके रखती है वो, क्योंकि जल्दी बन जाती है तो वहीं पे गोबर वगैरह करती है, तो वो तो गीला वगैरह कर देती है, इसी वजह से अभी जो कि लेट बांधेंगे उसको। अभी 5:30 बजे भाई दूध देने वाले को निकालेंगे, उसके बाद 6:30-7 बजे बिना दूध वाले को भाई नीचे वाले घसड़ा में बांध लेंगे, कि आज भी कल से ज़्यादा भी, कल बारिश हो गई थी तो गाय जो है कि जल्दी आ गई थी, तो थोड़ा पेट ज़्यादा भरा नहीं भाई, आज इतनी गर्मी भी है कि भाई सभी गाय बहुत ही देसी गाय भी हाँफ गई थी भाई, इतनी गर्मी है। और इधर देखिए भाई सभी गाय भाई ओवरफ्लो हो चुकी है इधर, कि इधर गौशाला में है भाई, जो सभी के साथ भाई वाड़े में जमती नहीं है वो है इधर के साथ, सभी छोटे बछड़े बछड़ियाँ सब कुछ इधर गौशाला में, बाकी जो जमती है वो है इधर की साइड वाड़े में भाई। अभी ऊपर वाली सभी गाय का भाई जो अंदर बांध कर जो है कि मिल्किंग कर लिया है, और अभी है भाई नीचे वाली गौशाला की बारी, तो इधर जो है कि सभी गाय अभी आ रही है भाई फिलहाल, तो अभी सभी को बांध लेती है। बाकी आज हमारी भाई ये वाली गाय है ना वाइट वाली, तो हिट पे है भाई ये वाली, पहले आई थी लेकिन क्रॉस नहीं हुई क्योंकि हिट पे कम आई थी, लेकिन अभी कम्प्लीटली आई थी, उसकी ब्रीडिंग कराई, उसको लेके जाएंगे भाई बाहर। अपनी ये वाली भाई वो चिड़ी ना वो हिट पे, लेकिन जो है कि अभी उसको मैंने बोला आगे भाई कि ब्रीडिंग के लिए बाहर निकाल देंगे, लेकिन ब्रीडिंग के लिए नहीं निकालेंगे अभी, क्योंकि आज ही पता चला है और भाई कम्प्लीटली प्रॉपर जो है कि आज आई नहीं है, तो बोल जो अच्छी तरीके से ब्रीडिंग करेगा, नहीं भाई बोल जो ब्रीडिंग कर देगा, लेकिन गाय कम्प्लीट हिट पे नहीं होगी तो भाई एक्सेप्ट करेगी नहीं, और जो है कि फिर से भाई एक मंथ के बाद फिर से वो रिपीट होगी,
इसकी वजह से भाई एक दिन रुक जाएंगे, और कल जो है कि कंप्लीट हिट पे आई तो इसकी ब्रीडिंग करवा देंगे। बाकी इसकी ब्रीडिंग भी हमने करवाई है, उसकी भी करवा दी, सॉरी ये बाकी इसकी भी हो गई है, और इधर की साइड में ये वाली, बाकी बचे तो भाई इधर से ही सब बाकी। ये वाली अभी छोटी है लेकिन भाई हाइट में बढ़ गई। बाकी इससे सबसे वाली छोटी भाई ये है, ये वाली काबरी है भाई, काली वाली, उससे भी छोटी ये वाली है। लेकिन ये भी अभी बारिश का टाइम भाई ख़त्म होते होते इसकी ब्रीडिंग हो जानी चाहिए। अभी जो है कि भाई इसकी अभी ब्रीडिंग करना भाई रहने देती, अभी जो है कि इसको ब्रीडिंग नहीं करवाएंगे। अभी सुबह को भाई कंप्लीट हिट पे आई तो अपने आप ही वो ब्रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारा भाई ये बछड़ा है ब्लैक वाला, उससे हम इसको ब्रीडिंग करवाएंगे। और जो कम्प्लीटली हिट पे होती है तो भाई रुक भी जाती है, और जो है कि रिपीट भी नहीं होती है, और कुछ नहीं भाई अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेती है।